फुटबॉल टोटल अपना देश सकल के ओमार सोश्रद्धेय प्रणाम शांतिर नीर कविगुरु स्मृति विजड़ित शांति निकेतन ऐसे आज आमी अत्यंत आनंद और शांति अनुभव करुची। मंच पर विराजमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केसरीनाथ जी त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी, विश्व भारती के उपाचार्य प्रोफेसर सबुजकली सेन जी और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट के उपाचार्य पूज्य स्वामी आत्मप्रियानंद जी और यहां मौजूद विश्व भारती के अध्यापकगण और मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं सबसे पहले विश्व भारती के चांसलर के नाते आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बच्चे इशारे से मुझे समझा रहे थे कि पीने का पानी भी नहीं है। आप सबको जो भी असुविधा हुई है चांसलर के नाते, ये मेरा दायित्व तो बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे देश के कई विश्वविद्यालयों के कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। वहां मेरी सहभागिता अतिथि के रूप में होती है, लेकिन यहां मैं एक अतिथि नहीं बल्कि आचार्य यानी चांसलर के नाते आपके बीच में आया। यहां जो मेरी भूमिका है वो इस महान लोकतंत्र के कारण है, प्रधानमंत्री पद की वजह से है। वैसे ये लोकतंत्र भी अपने आप में एक आचार्य तो है जो 125 करोड़ से अधिक हमारे देशवासियों को अलग अलग माध्यमों से प्रेरित कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में जो भी पोषित और शिक्षित होता है वो श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। हमारे यहां कहा गया है कि आचार्यात् विद्या विहिता सागिष्ठम प्रापयति इति, यानी आचार्य के पास जाए उसके बगैर विद्या श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिलती। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इस पवित्र भूमि पर इतने आचार्यों के बीच मुझे आज कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में आपको मंत्रोच्चार की ऊर्जा महसूस होती है, वैसी ही ऊर्जा मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रांगण में अनुभव कर रहा हूं। मैं जब अभी
कार से उतरकर मंच की तरफ आ रहा था तो हर कदम मैं सोच रहा था कि कभी इसी भूमि पर, यहां के कण कण पर गुरुदेव के कदम पड़े होंगे। यहां कहीं आसपास बैठकर उन्होंने शब्दों को कागज पर उतारा होगा। कभी कोई धुन, कोई संगीत गुनगुनाया होगा। कभी महात्मा गांधी से लंबी चर्चा की होगी। कभी किसी छात्र को जीवन का, भारत का, राष्ट्र के स्वाभिमान का मतलब समझाया होगा। साथियों, आज इस प्रांगण में हम एक परंपरा को निभाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये आम्रकुंज लगभग एक सदी से ऐसे कई अवसरों का साक्षी रहा है। बीते कई वर्षों से जो आपने यहां सीखा उसका एक पड़ाव आज पूरा हो रहा है। आप में से जिन लोगों को आज डिग्री मिली है उनको मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं मैं उनको देता हूं। आपकी ये डिग्री आपकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है। इस नाते ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने यहां सिर्फ ये डिग्री ही हासिल की है ऐसा नहीं है। आपने यहां से जो सीखा, जो पाया, वो अपने आप में अनमोल है। आप एक समृद्ध विरासत के वारिस हैं। आपका नाता एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से है जो जितनी पुरातन है उतनी ही आधुनिक भी है। वैदिक और पौराणिक काल में जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सींचा, आधुनिक भारत में उसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनीषियों ने आगे बढ़ाया। आज आपको जो ये सप्तपर्णी का गुच्छ दिया गया है ये भी सिर्फ पत्ते नहीं हैं, बल्कि एक महान संदेश है। प्रकृति किस प्रकार से हमें एक मनुष्य के नाते, एक राष्ट्र के नाते उत्तम सीख दे सकती है, ये उसी का एक परिचायक, उसकी मिसाल है। यही तो इस अप्रतिम संस्था के पीछे की भावना है। यही तो गुरुदेव के विचार हैं जो विश्व भारती की आधारशिला बनी। भाइयों और बहनों, यत्र विश्वम भवत्येक निरम, यानी सारा विश्व एक घोंसला है, एक घर है। ये वेदों की वो सीख है जिसको गुरुदेव ने अपने बेशकीमती खजाने के विश्व भारती का ध्येय वाक्य बनाया। इस वेद मंत्र में भारत की समृद्ध परंपरा का सार छुपा है। गुरुदेव चाहते थे कि ये जगह वो घोंसला बने जिसको पूरा विश्व अपना घर बनाए। घोंसले और घरौंदों को जहां एक ही रूप में देखा जाता है, जहां संपूर्ण विश्व को समाहित करने की भावना हो, यही तो भारतीयता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है जो हजारों वर्षों से इस भारत भूमि से गूंजता रहा और इसी मंत्र के लिए गुरुदेव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, वेदों उपनिषदों की भावना जितनी हजारों साल से पहले से सार्थक थी
उतनी ही 100 साल पहले जब गुरुदेव शांति निकेतन में पधारे, आज 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझते विश्व के लिए भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। आज सीमाओं के दायरे में बंधे राष्ट्र एक सच्चाई है, लेकिन ये भी सच है इस भूभाग की महान परंपरा को आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के रूप में जी रही है। आज यहां हमारे बीच में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भी मौजूद है। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो कि एक कॉन्वोकेशन में दो देश के प्रधानमंत्री मौजूद हो। भारत और बांग्लादेश दो राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे हित एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से जुड़े हुए हैं। कल्चर हो या पब्लिक पॉलिसी, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी का एक उदाहरण बांग्लादेश भवन है, जिसका थोड़ी देर में हम दोनों वहां जाकर के उद्घाटन करने वाले हैं। ये भवन भी गुरुदेव के विजन का ही प्रतिबिंब है। साथियों, मैं कई बार हैरान रह जाता हूं जब देखता हूं कि गुरुदेव के व्यक्तित्व का ही नहीं बल्कि उनकी यात्राओं का विस्तार भी कितना व्यापक था। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मुझे अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि टैगोर इतने साल पहले उनके देश में आए थे। उन देशों में आज भी बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव को याद किया जाता है। लोग टैगोर के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान जाएं, तो काबुलीवाला की कहानी का जिक्र हर अफगानिस्तानी करता ही रहता है, बड़े गर्व के साथ करता है। 3 साल पहले जब मैं तजिकिस्तान गया, तो वहां पर मुझे गुरुदेव की एक मूर्ति का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला था। गुरुदेव के लिए वहां के लोगों में जो आदर भाव मैंने देखा था, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में टैगोर आज भी अध्ययन का विषय है, उनके नाम पर चेयर्स हैं। अगर मैं कहूं कि गुरुदेव पहले भी ग्लोबल सिटीजन थे और आज भी है, तो गलत नहीं होगा। वैसे आज इस अवसर पर उनका गुजरात से जो नाता रहा, उसका वर्णन करने के मोह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। गुरुदेव का गुजरात से भी एक विशेष नाता रहा। उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो सिविल सेवा ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे, काफी समय वे अहमदाबाद में भी रहे थे। संभवतः वो तब अहमदाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने से पहले सत्येंद्रनाथ जी अपने छोटे भाई को 6 महीने तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन वहीं अहमदाबाद में कराया था। गुरुदेव की आयु तब सिर्फ 17 साल की थी। इसी दौरान गुरुदेव ने अपने लोकप्रिय नॉवेल सुदत पाषाण के महत्वपूर्ण हिस्से और कुछ कविताएं भी अहमदाबाद में रहते हुए लिखी थी। यानी एक तरह से देखें तो गुरुदेव के वैश्विक पटल पर चीर पर स्थापित होने में एक छोटी सी भूमिका हिंदुस्तान के हर कोने की रही है, उसमें गुजरात भी एक है। साथियों,
गुरुदेव मानते थे कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। प्रत्येक बालक अपनी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ सके इसके लिए योग्य उसे बनाना, इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। वो बच्चों के लिए कैसी शिक्षा चाहते थे इसकी झलक उनकी दो कविताओं पावर ऑफ अफेक्शन और बंग माता में हम अनुभव कर सकते हैं। वो कहते थे कि शिक्षा केवल वही नहीं है जो विद्यालय में दी जाती है, शिक्षा तो व्यक्ति के हर पक्ष का संतुलित विकास है जिसे समय और स्थान के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। और इसलिए गुरुदेव हमेशा चाहते थे कि भारतीय छात्र बाहरी दुनिया में भी जो कुछ हो रहा है उससे भली भांति परिचित रहें। दूसरे देशों के लोग कैसे रहते हैं, उनके सामाजिक मूल्य क्या है, उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, इस बारे में जानने पर वो हमेशा जोर देते थे। लेकिन इसी के साथ वो ये भी कहते थे कि भारतीयता नहीं भूलनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि एक बार अमेरिका में एग्रीकल्चर पढ़ने गए अपने दामाद को चिट्ठी लिखकर भी उन्होंने ये बात विस्तार से समझाई थी। और गुरुदेव ने अपने दामाद को लिखा था कि वहां सिर्फ कृषि की पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों से मिलना जुलना ये भी तुम्हारी शिक्षा का हिस्सा है। और आगे लिखा, लेकिन अगर वहां के लोगों को जानने के फेर में तुम अपने भारतीय होने की पहचान खोने लगो तो बेहतर है कि कमरे में ताला बंद करके उसके भीतर ही रहना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर जी का यही शैक्षणिक और भारतीयता में ओतपोत दर्शन एक धुरी बन गया था। उनका जीवन राष्ट्रीय और वैश्विक विचारों का समावेश था जो हमारी पुरातन परंपराओं का हिस्सा रहा है। ये भी एक कारण रहा कि उन्होंने यहां विश्व भारती में शिक्षा की एक अलग ही दुनिया का सृजन किया। सादगी यहां की शिक्षा का मूल सिद्धांत है। कक्षाएं आज भी खुली हवा में पेड़ों के नीचे चलाई जाती हैं, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच सीधा संवाद होता है। संगीत, चित्रकला, नाट्य अभिनय समेत मानव जीवन के जितने भी आयाम होते हैं उन्हें प्रकृति की गोद में बैठकर निखारा जा रहा है। मुझे खुशी है कि जिन सपनों के साथ गुरुदेव ने इस महान संस्थान की नींव रखी थी उनको पूरा करने की दिशा में ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर और उसके माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उनका प्रयास सराहनीय है। मुझे बताया गया है कि यहां के लगभग 50 गांवों में आप लोगों ने साथ मिलकर आप उनके साथ जुड़ करके विकास के सेवा के काम कर रहे हैं। जब आपके इस प्रयास के बारे में मुझे बताया गया तो मेरी आशाएं और आकांक्षाएं आपसे जरा बढ़ गई है, और आशा उसी से बढ़ती है जो कुछ करता है। आपने किया है इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा भी जरा बढ़ती है। फ्रेंड्स, 2021 में इस महान संस्थान के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं।
आज जो प्रयास आप 50 गांवों में कर रहे हैं, क्या अगले 2-3 वर्षों में इसको आप 100 या 200 गांवों तक ले जा सकते हैं? मेरा एक आग्रह होगा कि अपने प्रयासों को देश की आवश्यकताओं के साथ और जोड़िए। जैसे आप ये संकल्प ले सकते हैं कि 2021 तक, जबकि इस संस्थान की शताब्दी हम मनाएंगे, 2021 तक ऐसे 100 गांव विकसित करेंगे, यहां के हर घर में बिजली कनेक्शन होगा, गैस कनेक्शन होगा, शौचालय होगा, माता और बच्चों को टीकाकरण हुआ होगा, घर के लोगों को डिजिटल लेन देन आता होगा, उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर महत्वपूर्ण फॉर्म ऑनलाइन भरना आता होगा। आपको ये भली भांति पता है कि कैसे उज्ज्वला योजना के तहत दिए जा रहे गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालयों ने महिलाओं की जिंदगी आसान करने का काम किया है। गांवों में आपके प्रयास शक्ति की उपासक इस भूमि में नारी शक्ति को सशक्त करने का काम करेंगे। और इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा सकता है कि इन 100 गांवों को प्रकृति प्रेमी, प्रकृति पूजक गांव कैसे बनाए जाएं। जैसे आप प्रकृति के संरक्षक की तरह हैं, कार्य करते हैं, वैसे ही ये गांव भी आपके मिशन का हिस्सा बने। यानी ये 100 गांव उस विजन को आगे बढ़ाएं, जहां जल भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं विकसित करके जल संरक्षण किया जाता हो, लकड़ी न जलाकर वायु संरक्षण किया जाता हो, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हुए भूमि संरक्षण किया जा सकता है। भारत सरकार की गोबर धन योजना का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे तमाम कार्य है जिनकी चेकलिस्ट बनाकर आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। साथियों, आज हम एक अलग ही विश्व में अलग ही चुनौतियों के बीच जी रहे हैं। 125 करोड़ देशवासियों ने 2022 तक, जबकि आजादी के 75 साल होंगे, न्यू इंडिया बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े आप जैसे महान संस्थानों की अहम भूमिका है। ऐसे संस्थानों से निकले नौजवान देश को नई ऊर्जा देते हैं, एक नई दिशा देते हैं। हमारे विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के संस्थान ना बने, लेकिन सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी है। इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। सरकार द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहत विश्वविद्यालयों को गांवों के विकास से जोड़ा जा रहा है। फ्रेंड्स, गुरुदेव के विजन के साथ साथ न्यू इंडिया की आवश्यकताओं के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इस बजट में रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, यानी RISE राइज नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत अगले 4 साल में देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क, यानी ज्ञान भी शुरू किया गया है। इसके माध्यम से भारतीय संस्थाओं में पढ़ाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को आमंत्रित किया जा रहा है। शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सुविधाएं मिले, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी शुरू की गई है। इससे प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश में मदद मिलेगी। कम उम्र में ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार करने के लिए, और उस दिशा में हमने देश भर में 2,400 स्कूलों को चुना है। इन स्कूलों में
अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से हम छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों पर फोकस कर रहे हैं। इन लैब्स में बच्चों को आधुनिक तकनीक से परिचित करवाया जा रहा है। साथियों, आपका यह संस्थान एजुकेशन में इनोवेशन का जीवंत प्रमाण है। मैं चाहूंगा कि विश्व भारती के 11,000 से ज्यादा विद्यार्थी इनोवेशन के बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आप सभी यहां से पढ़कर निकल रहे हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको एक विजन मिला है, आप अपने साथ विश्व भारती की पहचान लेकर के जा रहे हैं। मेरा आग्रह होगा आपसे कि इसके गौरव को और ऊंचा करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। जब समाचारों में आता है कि इस संस्थान के छात्र ने अपने इनोवेशन के माध्यम से, अपने कार्यों से 500 या 1,000 लोगों की जिंदगी बदल ली, तो लोग उस संस्थान को भी नमन करते हैं। आप याद रखिए जो गुरुदेव ने कहा था, जोदि तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो बे एकला चालो रे। अगर आपके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तब भी अपने लक्ष्य की तरफ अकेले ही चलते रहो। लेकिन आज मैं यहां आपको ये कहने आया हूं कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो सरकार 4 कदम चलने के लिए तैयार है। जन भागीदारी के साथ बढ़ते हुए कदम ही हमारे देश की 21वीं सदी में उस मकाम तक ले जाएंगे जिसका वो अधिकारी है, जिसका सपना गुरुदेव ने भी देखा था। साथियों, गुरुदेव ने अपने निधन से कुछ समय पहले गांधी जी को कहा था कि विश्व भारती वो जहाज है जिसमें उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना रखा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत के लोग, हम सभी इस बहुमूल्य खजाने को संजोकर रखें। तो इस खजाने को न सिर्फ संजोने बल्कि इसको और समृद्ध करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पर है। विश्व भारती विश्वविद्यालय न्यू इंडिया के साथ साथ विश्व को नए रास्ते दिखाती रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप अपने माता पिता, इस संस्थान और इस देश के सपनों को साकार करें, इसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी शांतिरंतरिक्षं शांतिर्दौ शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे मे देवः शांतिः सर्वे मे देवः शांतिः 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 शांति भी ताभि शांति भी सर्व शांति भी शमयामोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छांतं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।